तो ये तो अपने देश में हो रहा है, लेकिन विदेशों से भी भगोड़े सिखा रहे हैं कि कैसे रहना है भारत में। सबसे हैरानी की बात ये, मलेशिया से बैठ के डायरेक्ट किया जा रहा है, जो खुद जांच का सामना करने यहाँ तो नहीं रहते, मुसलमानों की हित की बात करने तो नहीं रहते, लेकिन भड़काने जरूर आ जाते हैं। क्या कह रहे हैं जाकिर नाइक, जो जिहादी मानसिकता के साथ अलग अलग बातें नफरती बोल बोलते रहते हैं। सुनिए आप, वक्फ बिल पर जाकिर नाइक का फिर से भड़काऊ बयान आ गया। मलेशिया में बैठकर उन्होंने कहा कि सभी मुसलमानों से वक्फ बिल रोकने की अपील है, मुसलमानों को वक्फ संपत्ति बचानी चाहिए। जाकिर नाइक इतना बड़ा बड़ा ज्ञान दे रहे हैं, सरकार के इस वक्फ बिल को रोकना चाहिए और इसको लेकर मुसलमानों को आगे आना चाहिए, सरकार मुसलमानों की संपत्ति हड़पना चाहती है, ये बता रहे। खुद संपत्ति हड़प कर मनी लॉन्ड्रिंग करके भागे हुए हैं और बता रहे कि सरकार संपत्ति हड़पना चाहती है, मुसलमानों की भावी पीढ़ियों के लिए लड़ो। जाकिर नाइक किस तरह से भड़का रहा है, देखिए सुनिए। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ एकजुट हो, उकसाने की कोशिश, लोगों को ये बताना कि आपकी संपत्ति छिन जाएगी, मस्जिदें छिन जाएंगी, कब्रिस्तान छिन जाएंगे। ऐसा लग रहा है कि जाकिर नाइक को ही सब पता है कि भारत में क्या हो रहा है। वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की हिफाजत करो, ये कह रहे हैं जाकिर नाइक। जबकि बहुत से ऐसे मुसलमान हैं जो चाहते हैं कि इसमें तब्दीली हो, क्योंकि अगर उनकी संपत्ति पर भी कब्जा हो जाता है तो कोई सुनवाई नहीं होती है। वक्फ की संपत्ति पर सिर्फ मुसलमानों का हक है, मौजूदा सरकार पहले की तरह ताकतवर नहीं है, ये कहना है जाकिर नाइक का। कम से कम 50 लाख मुसलमान साथ आए, जाकिर भड़काने की कोशिश कर रहा है, ये बरगलाने की कोशिश है, एक तरह से ब्रेन गेम खेलने की कोशिश है जाकिर की तरफ से। वक्फ बिल के खिलाफ स्कैन अभियान से जुड़े, जो हमने आपको स्कैन QR कोड दिखाया था, उस अभियान को गलत तरीके से यहाँ प्रेजेंट करने की कोशिश जाकिर नाइक की है, क्योंकि बाकायदा सरकार ने जो JPC की कमेटी बनी थी उसमें ये अपील की थी, इश्तिहार छपवाया था कि आप अपनी राय दें, आप अपनी मंशा जाहिर करें, आपको क्या लगता है क्या बदलाव करना है। लेकिन ये आतंकी जो मलेशिया में बैठा है, भगोड़ा है, ये कह रहा है कि आप मुखालफत करिए। क्या बोल रहा है सुनवाते हैं आप। यू नो देयर आर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ मॉस्क्स इन द वक्फ बोर्ड, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ मदरसास, ऑफ ग्रेवयार्ड्स। द टोटल बैंक इज 9.4 लाख एकर्स, 41 बिलियन स्क्वायर फीट, 3,800 स्क्वायर किलोमीटर। It may be worth billions and hundreds of billions of dollars. It is a big asset. And they're trying to eat this property, trying to put non-Muslim on the board. If, imagine, just one mosque, Babri Mosque, a couple of decades earlier, when it was taken away, there was a big human cry, there was a big commotion, there was riots. If this bill is passed, there'll be thousands of mosques that can easily be taken away from the Muslim Ummah. Thousands of graveyards can be taken away. Thousands of madrasas. Thousands of property worth lakhs of acres of land can be taken away. तो जिहादी जाकिर की जहरीली तकरीर तो आपने सुन ली, लेकिन भारत सरकार भी बिल्कुल क्लियर है और वर्जन सामने आ गया है बीजेपी का कि किस तरह से हैसियत दिखाएंगे। सुनिए जरा गौरव भाटिया को। जाकिर नायक से इतना ही कहना चाहूंगा, उनकी इतनी औकात और हैसियत नहीं है कि भारत के अंदरूनी मामले पर बोलें, और वो दिन भी दूर नहीं है, भारत के खिलाफ जो षड्यंत्र करता है उसको गिरेबान से पकड़कर यहां लाया जाएगा और जेल की सलाखों के पीछे डाला जाएगा। इसके जैसे हल्के व्यक्ति को हम गंभीरता से नहीं लेंगे, इनको सजा मिलेगी, इतना जरूर कहूंगा। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि मुसलमानों की बात हो और असदुद्दीन ओवैसी ना उस डिस्कशन में आए, वो ना भड़काएं, क्योंकि उनके लिए भी तो वोट बैंक का सवाल है ना। झूठा नैरेटिव कैसे फैला रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी, सुनिए। याद रखो मुसलमानों, हमने एक मस्जिद को खो दिया, तुम और कितनी मस्जिदों को खोने के लिए तैयार हो? एक मस्जिद को हमने खो दिया, याद रखो अगर ये खुदा ना खास्ता कानून बनेगा तो सिर्फ काशी मथुरा नहीं, कोई मस्जिद नहीं बचेगी भारत में, जो झगड़े शुरू हो जाएंगे। मस्जिदों को बंद कर दिया जाएगा, कलेक्टर बोलेगा नहीं मस्जिद नहीं है, खानकाहों को, दरगाहों को बंद कर दिया जाएगा। मैं आपसे अपील कर रहा हूं, जो लोग वक्फ की जायदादों को बर्बाद करने आ रहे हैं, आप और हम मिलकर उनको इंशाल्लाह बर्बाद कर देंगे सियासी तौर पर। ये बोलते बोलते आखिरकार सियासी तौर पर तो बोल ही दिया असदुद्दीन ओवैसी ने, अपना सच उन्होंने खुद जाहिर कर दिया कि वो क्यों ऐसे बोल रहे हैं, सियासी तौर पर बर्बाद करना चाहते हैं जिससे कि उनका वोट बैंक उसमें इजाफा हो। लेकिन गिरिराज सिंह ने भी बहुत माकूल जवाब दिया है, सुनिए। वो भारत को
टुकड़ों में बांटना चाहते हैं, हिंदू मुसलमान करते हैं। ये वक्फ बोर्ड, क्या उसमें महिलाओं का, मुस्लिम महिलाओं का प्रतिनिधित्व नहीं होना चाहिए? क्या सुन्नी मुसलमान या गरीब मुसलमानों का प्रतिनिधित्व नहीं होना चाहिए? क्या वक्फ बोर्ड कोई जमीन हड़पो आंदोलन है? मुसलमानों को भड़काने का काम ये जरूर कर सकते हैं। शर्म आनी चाहिए ओवैसी को, जिस भारत के अंदर बंटवारे के बाद 2,500-3,000 मस्जिद पूरे देश में था, आज 3,00,000 से ऊपर मस्जिदें हैं, फिर भी गाली दे रहे हो देश को। जिस पत्तल में खाते हो उसी को, उसी में छेद करने की कोशिश कर रहे हो। तो जो बातें कही जा रही हैं, जिन माया जालों में फंसाया जा रहा है मुसलमानों को, उन मुसलमानों के लिए ये सुनना बहुत जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि वक्फ बिल को लेकर किरण रिजिजू जो अल्पसंख्यक मंत्री हैं, उन्होंने क्या कहा था, अब हम आपको ये बता रहे हैं। खामियों को दूर करने के लिए ये बिल लाया जा रहा है, ये उनकी तरफ से कहा गया था। उन्होंने कहा कि बिल से संविधान का उल्लंघन नहीं हो रहा है, कहीं कोई उल्लंघन नहीं हो रहा, ख्याल रखे लाया जा रहा है, बेहतरी के लिए लाया जा रहा है, ये बिल न्याय के लिए, इंसाफ के लिए लाया जा रहा है। उनकी तरफ से ये कहा गया, बिल के प्रावधान में किसी धर्म में दखल नहीं, दखल अंदाजी करने के लिए नहीं है, बेहतरी के लिए और न्याय के लिए, इस पर उनका जोर रहा। वक्फ बोर्ड पर कुछ लोगों ने कब्जा कर रखा है, उन्होंने अपनी मिल्कियत उसे बना लिया है। बिल का समर्थन कीजिए, करोड़ों की दुआएं मिलेंगी, ये कहना है किरण रिजिजू का। और उसका जेपीसी बनाई भी गई, वक्फ बिल पहली बार पेश नहीं हो रहा है, उन्होंने ये भी कहा। किरण रिजिजू ने जब सदन के अंदर बात रखी थी तो ये बड़ी बातें कही थी, जिन्हें हक नहीं मिला उन्हें हक दिया जाएगा, कहीं किसी का हक ना मारा जाए, इस पर फोकस है। बिल से किसी का हक नहीं छीना जा रहा है, जिसका छीना है उसे वापस दिलाने की कोशिश है। वक्फ बोर्ड पर भी देखिए माफियाओं का कब्जा है, ये कहा था अल्पसंख्यक मंत्री ने, और इसीलिए ये न्याय के लिए, बदलाव के लिए, बेहतरी के लिए बिल लाया गया, बाकायदा इसको एक्सप्लेन किया गया था। क्या कहा था एक बार सुनवा भी देते हैं आपको। जो वक्फ बोर्ड के बारे में, वक्फ बोर्ड के बारे में कई लोगों ने जिक्र किया है, लेकिन प्राइवेटली इसमें भी कई ऐसा नेता है जो मुझे आके कहा है कि देश में जितना स्टेट वक्फ बोर्ड है सब माफिया लोगों ने कब्जा कर लिया है। ये बहुत लोगों कह रहे हैं, आज सदन में नहीं कह रहे हैं, सदन में अपना अपना पार्टी का दबाव या किसी के डर से या वोट बैंक के चक्कर से नहीं बोल रहा है, मगर प्राइवेटली हर एक मुसलमान आकर के कहता है। नाम मत बताना, ना, नाम तो हम बताएंगे नहीं सर। मैं आप लोगों का पॉलिटिकल इशियर में खराब नहीं कर दूंगा। कौन कौन सा एमपी ने मुझे आके बताया कि पार्टी विरोध कर रहा है लेकिन अंदर से हम साथ दे रहे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा। एमपी साथियों का पॉलिटिकल करियर को मैं बर्बाद नहीं करूंगा सर। सर कंसल्टेशन का जहां तक आता है सर, सबसे पहले सबसे बस बस हो गया सर। कंसल्टेशन हमने कई लेयर्स में कंसल्टेशन किया है सर, ऑफिशियल लेवल में, पॉलिटिकल लेवल में, स्टेट गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव से, और इंडिविजुअल लेवल में बहुत वाइड कंसल्टेशन देश भर में हम लोगों ने किया है सर।